फाइनली भारत के सब्र का बांध टूट ही गया और इतिहास में पहली बार इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भारत को वीटो पावर दिलाने के लिए यूएन को एक बड़ी धमकी दी है और कहा है कि अगर यूएन ने भारत को वीटो पावर नहीं दी तो यूनाइटेड नेशन एक कबाड़ की दुकान बन के रह जाएगा। अब मोदी जी के इस खतरनाक बयान के बाद ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है और अब यूनाइटेड नेशन ने भी भारत को वीटो पावर दिलाने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। तो आप लोगों को इसी वीडियो में बताएंगे कि यूनाइटेड नेशन ने पीएम मोदी जी के इस बयान पर क्या जवाब दिया, लेकिन उससे पहले आप लोग ये आर्टिकल देखिए जिससे आप लोगों को इंडियन प्राइम मिनिस्टर की ताकत का एहसास हो जाएगा। दरअसल इस आर्टिकल के अंदर पीएम मोदी जी ने स्ट्रांगली कहा है कि अब यूनाइटेड नेशन में बदलावों की जरूरत है और अगर प्रेजेंट के हिसाब से यूनाइटेड नेशन में बदलाव नहीं हुए तो ये सिर्फ एक बात की दुकान बन के रह जाएगी। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी G7 देशों की मीटिंग को अटेंड करने के लिए जापान पहुंचे थे और यहीं पर उन्होंने दुनिया के सभी ताकतवर देशों के ताकतवर नेताओं से बात की थी, जिसके बाद पीएम मोदी जी ने यूनाइटेड नेशन को लताड़ लगाते हुए कहा था कि दुनिया में फैल रही अशांति और संघर्ष को यूनाइटेड नेशन रोक क्यों नहीं पा रहा और जिन चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया था तो आखिर क्यों उन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए दूसरे मंचों का इस्तेमाल हो रहा है, क्यों यूनाइटेड नेशन में आतंकवाद की परिभाषा तक को स्वीकार नहीं किया गया है। ऐसे में अगर आत्मनिरीक्षण करें तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि पिछली सदी में बनाए गए ये संगठन 21वीं सदी की व्यवस्था के अनुरूप नहीं है और अब यूनाइटेड नेशन प्रेजेंट की रियलिटीज को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, इसलिए इन बड़े संस्थानों में बदलावों की सख्त जरूरत है। और इस बड़े बयान के बाद ही पीएम मोदी जी ने जापान के अंदर ही यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी एंटोनियो गुतारेस से भी मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद ही यूनाइटेड नेशन के महासचिव का दिमाग ही पलट गया और पीएम मोदी जी के साथ खड़े हो गए, क्योंकि अब ये बात पूरी दुनिया को पता चल चुकी है कि पीएम मोदी जी का भारत अब दुनिया के सामने एक शक्तिशाली देश बनकर खड़ा हो गया है, जिसकी बात सुनने के लिए अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी बेताब रहता है। और आज तक आप लोगों ने इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब जी को ही यूनाइटेड नेशन को खरी खोटी सुनाते हुए देखा होगा और मोदी जी के पहले बयान के बाद ही ये साफ कर दिया कि यूनाइटेड नेशन में अब बदलावों की जरूरत है और अब हम इस संगठन को 1945 के हिसाब से नहीं चला सकते। और अब पीएम मोदी जी के सिर्फ एक बयान से पूरा का पूरा यूनाइटेड नेशन हिल गया है, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन के महासचिव पीएम मोदी जी के साथ खड़े हो गए हैं। ऐसे में अब ये बात भी बिल्कुल साफ हो गई है कि अब भारत को वीटो पावर मिलना लगभग तय हो गया है, क्योंकि चाइना को छोड़कर पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और अब जल्द से जल्द यूनाइटेड नेशन में बदलाव होकर भारत को वीटो पावर मिल जाएगी।